मास्टर ने टाइट कर दिया, कुछ नहीं लग जाएगा। खड़े रहो, सीधी खड़े रहो मोहन। एक मिनट, हर फंक्शन में क्या शेरवानी पहनना जरूरी है? दी इतना टाइट है कि मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, ये इतना है कि मेरे शोल्डर दुख रहे हैं। अब शादी करनी है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा ना आपको। यार मेरी शादी, क्वाइट, तेरी शादी होने का पता चलेगा मैं तो खड़ा हूँ तो गिर जाएगा। इतना ही है ना, तो जाके बाजी से बात करो, बोलो मैं अपने टी शर्ट और जीन्स में ही जाऊंगा संगीत में। मैं वेरी फनी, इट इज फनी यार, राइट फनी। अरे बाल बाकी है यार आपके, बाल परफ्यूम ही लगाना है। जल्दी से मुझे बताओ कौन सी घड़ी पहनना है। ये बस कौन सी घड़ी, ये अच्छी है ना। इधर देखो, सुनो। आज की संगीत संध्या में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही है, तुम लोग एक काम करो, एक बुक और पेन हाथ में रख लो फोटोग्राफ लेने के लिए। अरे ऐसा आयोजन किया है कि आज तो रौनक छा जाएगा, अब तो मजा आ जाएगा। मजा से याद आया, मजा तो तब आएगा जब छा जाएगी फिजा, बंद जाएगा समा, जब मिलकर नाचेंगे बूढ़े और जवान। बाबा बाबा, व्हाट बाबा बाबा, कुछ समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया, सीधे सीधे बताओ क्या बोलना है। देखो बेटा, आज का जो फंक्शन है ना वो रेट्रो और मॉडर्न की थीम पर है। तो किसी का साहब इतने खुश क्यों रहे हो? आपको तो परेशान होना चाहिए, क्योंकि हम मॉडर्न जनरेशन एक्स के सामने आपका रेट्रो सीनियर सिटीजन तो सीनियर सिटीजन ही लगेगा ना। देखो दूल्हे राजा, यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? पुराने गानों पर तुम लोग नाचोगे और नए गानों पर हम लोग। हो सकता है क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम ही उल्टा पुल्टा है। कॉम्पिटिशन भी होगा और एक गजब का फैशन शो भी होगा। दीपिका का लौट आओ, जहाँ पर भी हो वहाँ से वापस आ जाओ। पहले मिस्टर कांति भाई, लखम सिंह भाई, करम सिंह भाई, धर्म सिंह भाई, गाला की परमिशन तो लेके दिखाओ। देखो बेटा, कॉम्पिटिशन भी होगा और फैशन शो भी होगा। कांति भाई, लखम सिंह भाई, धर्म सिंह भाई, गाला की परमिशन, कीर्ति भाई गाला लेकर आएंगे।